आंखों से सींचा। वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। अजय भारती हमारा है, हमारा है। अजय भारती हमारा है, हमारा है। भारत माता की मातरम, मातरम। मेरा नाम मुक्तेश, हम केपी युवा संगठन की तरफ से आज सारे वॉलंटियर यहाँ पर अपनी बहन के पास आए थे। मतलब हमने आज प्रोटेस्ट रखा था और श्रद्धांजलि रखी है, जिसमें कि हमने आज का जो यहाँ का मेन मुद्दा था कि लाल झनइयों के नाम से हमने एक हैशटैग चलाया था। बहुत सारे युवा आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ यहाँ आज सपोर्ट किया है। तो इस लाल झनइयों का मतलब यह है, जब अजय भारती जी को वहाँ से लाया गया था तो उनका जो झनइयों था वो लाल देखा गया था। तो आज का प्रोटेस्ट सिर्फ हम सरकार से इसलिए करना चाहते हैं कि हमें आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप लोग हमारी सिक्योरिटी को लेकर आगे आइए। हमें दोबारा यहाँ अजय भारती नहीं चाहिए। जो अजय भारती के साथ हुआ वो आगे के लिए नहीं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे किसी भी ताकत को आपको पकड़ना चाहिए, हमें अपनी आर्मी पे, अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा भरोसा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सामने आए और हमारे अजय भारती के कातिलों को सबसे पहले इंसाफ दिलाए, और बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पर हमारी कश्मीरी भाई रहते हैं, जो अपनी नौकरियाँ वहाँ पर कर रहे हैं, दे शुड गिव प्रोटेक्शन। उनको प्रॉपर वहाँ प्रोटेक्शन की नीड है, क्योंकि 1990 के बाद जो ऐसा तथ्य बार बार निकल के आ रहे हैं, मतलब एक खौफ का माहौल कम्युनिटी में फिर से आ रहा है। तो युवा वो युवा नहीं रहा है, युवा बदल चुका है। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आपके माध्यम से, आपने अपना टाइम निकाला यहाँ आए, आपके माध्यम से ये पहुँचाना चाहते हैं। लगता है कि इस बार सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पे कानों, क्योंकि आपने जो आवाज़ है उनके कानों तक पहुँचेगी, क्योंकि अजय भारती की बात करें काफ़ी दफा उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की थी पर कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में मैडम? वो जो चीज़ अब चली गई है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर ही माना जाएगा। बट द थिंग इज़ आगे के लिए हम ये नहीं चाहते हैं, आगे के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ना ही ये आगे कोई सुनेगा। युवा रोड पे आ चुका है, युवा इस बार फोर फ्रंट पे एक ही चीज़ कहता है, चाहे कोई भी हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारे युवा या जितने भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन पंडित लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, या जो हमारे पीएम एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए। वो ऐसे वहाँ नहीं रहेंगे, इस डर के माहौल में हमने वहाँ नहीं जाना है। देखिए, मैं पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कश्मीर युवा संगठन, जिन्होंने मेरे पापा के लिए इतना सब कुछ किया, जो आज एक हुए हैं, ये लोग मेरे सपोर्ट के लिए आए। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू दैट, और स्पेशली द लाल झनइयों, जो इन्होंने ट्रिब्यूट के तौर पे, इन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे जो लाल झनइयों रखा है, वो सच में आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम। अब सच में मतलब आई एम फीलिंग दैट शायद मेरे पापा की कुर्बानी वेस्ट नहीं गई है, और ना ये जाने देंगे, ना हम जाने देंगे। वी विल डेफिनेटली फाइट फॉर आवर राइट्स, और हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे हमारी कम्युनिटी को आगे प्रोत्साहन मिले। हम हर वक्त वो ऐसी कोशिश करते रहेंगे, ये जारी रहेगा। सोचता हूँ जो आजकल ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि अगले साल ये प्रोटेस्ट कश्मीर में
होना चाहिए, श्रीनगर के लाल चौक में होना चाहिए प्रोटेस्ट, क्योंकि वो हमेशा समझते हैं कि कश्मीरी पंडित समाज कमज़ोर है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कश्मीरी समाज एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जो निकल गया तो वो दुश्मनों को काट के ही डाल देता है। है कि जितने भी इस वक्त कोई एजेंसी इसके पीछे है या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको मार डाल दिया जाए, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप, और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जैसे पाकिस्तान इस दुनिया में है ही नहीं।